दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे भले ही बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के पक्ष में न गया हो, लेकिन इस चुनाव के बाद एक फैसला बसपा मुखिया मायावती के पक्ष में ही आया है। दरअसल मायावती की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कुंडा के निर्दलीय विधायक राजा भैया के बीच में दूरी पैदा करने की ख्वाहिश पूरी हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार राज्यसभा सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव के दौरान राजा भैया द्वारा सपा को समर्थन देने के दावे को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चुनाव के दौरान किए गए राजा भैया के दावे को लेकर संदेह जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि लगता नहीं कि राजा भैया हमारे साथ हैं। अखिलेश यादव ने यह बयान उस वक्त दिया जब पत्रकारों ने उनसे राजा भैया की ट्वीट डिलीट किए जाने को लेकर सवाल किया। उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आपको बता दें कि इसी महीने में उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें से 8 सीटें भाजपा और एक सीट सपा को मिलना तय था, जबकि एक सीट के लिए लड़ाई थी जिस पर बसपा के उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर दावा कर रहे थे। हालांकि वे ये चुनाव जीत न सके, ये एक भावना होती है। उन्होंने कहा, हमें राजा भैया के बारे में कुछ नहीं कहना है, उन्हें खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। लगता नहीं है कि वो हमारे साथ हैं। चुनाव से पहले ही राजा भैया ने साफ कर दिया था कि वे हम बसपा के साथ नहीं हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने बयान में सपा को समर्थन देने का वादा भी किया था। खुद अखिलेश यादव ने समर्थन के लिए ट्वीट कर उनका शुक्रिया भी अदा किया था। हालांकि मतदान के तुरंत बाद राजा भैया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात ने उनके वादे पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। राज्यसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार के हारने के बाद मायावती ने राजा भैया की ओर इशारा करते हुए अखिलेश यादव को सलाह देते हुए कहा था कि यदि अखिलेश यादव कुंडा के गुंडे के मकड़ जाल में न फंसते तो शायद हम ये सीट बचा पाते।